इन दिनों सोशल मीडिया में बेंगलुरु फ्लड्स काफी चर्चे में है और बेंगलुरु के कुछ हिस्से में जो बाढ़ जैसे हालात हैं उसको लेकर कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी। आखिर क्या कारण है कि केवल साउथ ईस्टर्न जो एरिया है बेंगलुरु का, वहां पे ही इतना अधिक ये हिस्सा प्रभावित हुआ है बाढ़ से, और बाकी जो नॉर्थ जो वेस्ट एरिया है वो कैसे अभी तक सेफ रहा है। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये जो साउथ ईस्टर्न एरिया है इसमें ही सबसे अधिक आईटी पार्क्स बने हैं, और आज से कुछ साल पहले जो कई लोग और तमाम सिटीजन ग्रुप्स अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहे थे कि लेक्स को भरा जा रहा है और बेतहाशा धड़ल्ले से वहां पे लेक्स को डिस्ट्रॉय करके वहां पे अपार्टमेंट्स आफ्टर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, टेक पार्क्स बन रहे हैं, नए नए टेक पार्क्स बन रहे हैं, उस वक्त लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को ये लगा था और हमारे पॉलिटिशियंस भी कहा करते थे कि मुंबई में जो फ्लड्स आए वो तो अलग बात है, बेंगलुरु सेफ है क्योंकि बेंगलुरु 3100 फीट अबव सी लेवल है तो हम तो सेफ है। हम सेफ नहीं थे, और ये जब चीजें हो रही थी जिस वक्त हमने उसे ध्यान नहीं दिया, और आज उसका एक एक परिणाम ये है कि बेंगलुरु के कुछ हिस्से में, खासकर जो आउटर रिंग रोड है, जो जो शारजापुर है, जो आउटर रिंग रोड में मान्यता टेक पार्क, अगर आपने बेंगलुरु में काम किया है कभी, आपके किसी मित्र ने काम किया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मान्यता टेक पार्क एक बहुत नामी वहाँ का टेक पार्क है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो फ्लडेड है बिल्कुल। और वेलांदूर फ्लडेड है, मारथाली में काफ़ी समस्या हुई है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लेक्स के ऊपर में बनाया गया है। अब जब आप इस तरीके के लेक्स को भरेंगे तो ये प्रॉब्लम होना ही था। सीएम साहब ने भी ये कहा है कि उन्होंने भी जो दौरा किया तो उन्होंने ये देखा कि बेताशा इंक्रोचमेंट हुई है, और उन सभी का परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। तो सवाल है कि हम इसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। दो ही चीज़ हो सकती है, आप या एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ले सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। बाकी तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ना रेनफॉल को। हम ये नहीं कह सकते कि सितंबर के पहले वीक में 3 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए था, 13 सेंटीमीटर बारिश हो गई, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। ये तो सही तरीका नहीं है बात करने का। तो हमें एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, और वो भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी जो वाटर रिसीव करेगा उसके बाद ही हो सकता है। अभी तो आपको नाव ही चलानी पड़ेगी, और तमाम तरीके के कुछ लोग, हम में से कई लोग जो सोशल मीडिया पे पिक्चर शेयर कर रहे हैं और इसे एक हंसी मजाक का विषय बना रहे हैं, ये अज्ञानवश हम कर रहे हैं। हमें पता नहीं कि ये मजाक हमारे ऊपर है, हमारे और आपकी वजह से ये मजाक है, और हमारा और आपका बहुत बड़ा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो आज के हालात हैं वो हमारे और आपकी वजह से ही है। तो खैर, जो भी जाने जाने हम जो कर रहे हैं, इस पे जोक्स बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो भी हो, बात ये है कि अभी जब पानी रिसेट करेगा तो सबसे पहले हमें ये करनी चाहिए कि जितने भी लेक्स SWDs जो हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, और उसकी ऑडिट करनी पड़ेगी हमें, और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ऑडिट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि जब भी इस तरीके की ऑडिट्स होती है सरकारों की तरफ से, तो जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उन पे ही फाइन लगाया जाता है, और बड़े बड़े जो नाम है, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो बच जाते हैं। अब सीएम साहब ने कहा है, अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सभी बड़े बड़े बिल्डर्स, छोटे बड़े सभी बिल्डर्स ने इंक्रोचमेंट किए। तो अगर ये हुआ है इंक्रोचमेंट इस लेवल से जिसका परिणाम आज हमें दिख रहा है, तो इनको सही मैसेज देना पड़ेगा और इन पे एक कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे फाइन लगाना चाहिए, और जो भी उचित कार्रवाई होती है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से वो होनी चाहिए। तो ये हमें करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमें लेक्स और कैनल्स की जो कनेक्टिविटी है, जिस तरीके से पहले बनाई गई थी लेक्स और कैनल्स की, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी थी। आज जो समस्या हुई है वो इसलिए हुई है कि ये शहर तैयार नहीं था इतने लोड के लिए। आज से 20 साल पहले आप किसी से भी पूछ सकते हैं बेंगलुरु में कि यहाँ के हालात क्या थे। मैंने अपने फ्रूट सेलर से बात किया और वो बता रहे थे कि 15-20 साल पहले ये बिल्कुल ही एक मनोरम शहर था, और इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, और ये बिल्कुल ही बदल गया है। जहाँ पे पूरी ग्रीनरी होती थी वहाँ पे अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं, ये शहर बिल्कुल ही वर्टिकल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये बेंगलुरु ही नहीं, भारत का कोई भी शहर इस दिन के लिए तैयार नहीं था कि वहाँ पे करोड़ों की तादाद में पॉपुलेशन हो जाए। नन ऑफ आवर सिटीज वर प्रिपेयर्ड टू हैंडल 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन, लेकिन यही हुआ है। मुंबई में वही हुआ है, चेन्नई में वही हुआ है, हैदराबाद में भी आने वाले समय में सोचना पड़ेगा सरकारों को। बेंगलुरु के ये हालात हैं, दिल्ली के ये हालात हैं, हमारे कोई भी शहर तैयार नहीं थे इस तरह के लोड को सहने के लिए। आप इसे क्लासिकल मैल्थुसियन प्रॉब्लम कह सकते हैं कि लैंड फिक्स्ड है और लोड बढ़ रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सहन नहीं कर सकता। यही प्रॉब्लम मुंबई में भी हुआ है,
और मुंबई के बारे में भी सोचना पड़ेगा सरकार को अपने तरीके से। तो ये इस वक्त तो हमें जब पानी रिसीट करता है उसके बाद हमें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार विपक्ष सिटीजन ग्रुप्स सभी को साथ आकर और देखना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी की जो लेक्स कैनल किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है, ये जो इको सिस्टम है और कहाँ कहाँ हम चूक कर गए और क्यों बड़े बड़े बिल्डर्स को इस तरीके से हमने ये परमिशन दिया। अब ये इसलिए लोड बढ़ गया है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज से 3-4 महीने पहले आप अपने किसी किसी मित्र रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि बेंगलुरु में करीब 90% से ज्यादा फ्लैट्स घर खाली थे। पैंडेमिक का दौर चल रहा था, उस वक्त वर्क फ्रॉम होम था और खाली थे, इसका मतलब कि लोग अपने अपने होम टाउन गए हुए थे। लेकिन आज बेंगलुरु में अधिकांश घर आपको खाली नहीं मिलेंगे। आप बात करके देख सकते हैं, आप किसी ब्रोकर से बात कर सकते हैं कि मुझे वाइट फील्ड में घर चाहिए, वो आपको ये कहेंगे कि घर खाली नहीं। ये एक अनोखी बात हो रही है, यहाँ ब्रोकर आपको कह रहे हैं कि घर खाली नहीं है, उन्हें तो कमीशन मिलेगा, उन्हें पैसा मिलेगा, लेकिन फिर भी वो आपको बता रहे हैं कि फलाने फलाने एरिया में आप भूल जाओ, आपको घर नहीं मिल सकता, घर आएंगे। तो बिल्कुल ये पैक टू कैपेसिटी ये हालात हो रहे हैं और उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से वापस वर्क फ्रॉम होम के बाद ऑफिस खुलने लगे हैं और हम एक चीज जो नहीं कर रहे हैं आज भी, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स को हम नहीं बढ़ावा दे रहे हैं क्लाउड की आने के बाद भी। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, क्या हम केवल कुछ चुनिंदा शहर को ही हम जॉब्स का एक हब माने, हम सॉफ्टवेयर की अभी भी जो आज से 5-7 साल पहले आपकी बात होती थी बेंगलुरु को ही हम सिलिकॉन वैली बोलते रहे, टेक हब बोलते रहे, क्या ये सही तरीका है? सैस की अगर हम बात करें तो आज बेंगलुरु से चेन्नई सैस कैपिटल है, सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लेकिन चेन्नई में भी अब धीरे धीरे वही हालत होंगे अगर हम सचेत नहीं हुए समय रहते। कुछ साल पहले चेन्नई की बहुत एक भयानक स्थिति हुई थी, चेन्नई में वाटर शॉर्टेज की बात हुई थी, बहुत भयानक वहां पे एक बाढ़ की हालत हुई थी जिसके लिए हमने से कोई तैयार नहीं था, हमने से हर कोई हतप्रभ थे, ये शॉक थे कि चेन्नई में ऐसे कैसे फ्लडिंग हो गई। लेकिन ये सब कारण है जो हमें हमें पहले समझ में नहीं आता, उसके बाद फिर जब कुछ होता है तो हम इसे हम समझते हैं कि ये क्या हो गया। तो बहरहाल सेस की मैंने अभी आपको बात कही, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भारत आने वाले समय में सैस का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल अपने रिपोर्ट में ये कहती है कि अगले 10 साल 2030 तक भारत की सैस की जो रेवेन्यू है वो 50 से 70 बिलियन डॉलर की होने वाली, मतलब 20 गुना ज्यादा यहाँ पे इसकी बढ़ोतरी होने वाली है। और सैस की जब बात होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्योंकि फ्यूचर सैस का ही है, देखिए फ्यूचर क्लाउड का है, सैस का है, तो भारत से दो फ्लैग बीयरर्स कौन है भारत से, ज़ोहो फ्रेशवर्क्स, और इन दोनों के जो सीईओ हैं सिद्धर बेम्बू और गिरीश माथुरगोतम, इन दोनों ने इतना किया है, आज ये दोनों भारत के लिए हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं जितना शायद बहुत कम लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो इन दोनों की जो शैली है अपनी कंपनीज को चलाने की, उससे हमें काफी सीख लेने की जरूरत है। मैं गिरीश माथुरगोतम जहां से बिलोंग करते हैं, नेटिव जहां के श्रीरंगम, हालांकि त्रिची में वो पले बढ़े, लेकिन श्रीरंगम जो 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 एक छोटा सा एक छोटी सी जगह है, वहां से मेरे एक मित्र हैं और वो भी आज फ्रेशर्स में ही काम करते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे गांव में उनकी डेमी गॉड वाली छवि है, तो गिरीश माथुरगोतम को वहां पे एक अलग ही एक कल्ट स्टेटस वहां पे मिला है, क्योंकि वहां के उस गांव के लोग ये मानते हैं कि ये एक रोल मॉडल है। तो जब आज हमारे पास छोटे छोटे शहर में रोल मॉडल्स हैं, फिर भी वहां के लोगों को शहर आना पड़े, चेन्नई आना पड़े, बेंगलुरु आना पड़े, हैदराबाद आना पड़े, पुणे जाना पड़े, मुंबई दिल्ली जाना पड़े, ये शायद हम ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम स्वतंत्रता के बाद हम जिस संकल्प को लेकर चले थे, सुविधा शहर की आत्मा गांव की, हम उसे भटक रहे हैं। श्रीधर बेम्बू जो ज़ोहो के सीईओ हैं, श्रीधर बेम्बू उन्हें पद्मश्री भी से हम सम्मानित कर चुके हैं और वो कोई फैंसी उनकी लाइफस्टाइल नहीं है, वो कोई मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से चलते नहीं है, वो आज भी बाईसाइकिल से ही चलते हैं। और श्रीधर बेम्बू जी के बारे में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो तेनकासी नाम के छोटे से गांव से, तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है तेनकासी, वहां से ज़ोहो को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये केवल आप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कोरोना पैंडेमिक आ गया था और उसके बाद जो कई कंपनीज ने अपने वर्कफोर्स को अपने नेटिव प्लेस जाने बोला, तो उसके बाद से ये नहीं हुआ। कोरोना पैंडेमिक के पहले श्रीधर बेम्बू की एक ये सोच थी कि बड़े शहर में क्यों आना पड़ता है लोगों को, और बिकॉज जॉब्स आर ओनली इन बिग सिटीज लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली,
चेन्नई। इसके कारण क्या होता है कि कुछ लोगों को विवश होकर माइग्रेट करना पड़ता है। अब दो तरह के लोग माइग्रेट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्वेच्छा से कहीं जाना चाहते हैं, कुछ साल यहाँ कुछ साल यहाँ, ये वो स्वतंत्र है, ये दूसरी बात है। और कुछ लोग हैं जो विवश होकर उन्हें आना पड़ता है। जैसे कई लोग आज अपने होम टाउन में थे, जैसे पैंडेमिक के बाद वापस वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हुआ, तो कई लोग ऐसे हैं जो नहीं आना चाहते थे लेकिन उन्हें आना पड़ा। और जब हम किसी दूसरे शहर में आते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, और रियल इस्टेट उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। श्रीधर वेम्बू जी ने कुछ साल पहले सिलिकन वैली को लेकर भी कुछ अपनी बातें कही थी कि वहाँ पे जो वेंचर फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है रियल इस्टेट, इन्फ्लेटेड रियल इस्टेट की ओर, तो इनोवेशन से ज़्यादा खर्चा यहाँ हो रहा है। तो खैर वो वही चीज़ यहाँ भी हो रही है भारत में। तो ये पैंडेमिक के पहले उन्होंने ये प्रयोग किया था, एक अनूठा प्रयोग है, और ये इसे बाकी सभी बड़ी बड़ी भारत की जो कंपनीज हैं, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनीज, इन्हें इसका अनुकरण करना चाहिए, एम्युलेट करना चाहिए। जो श्रीधर वेम्बू जी ने जो अपनी बात रखी थी, ये प्रयोग जो था उनका तेनकासी नाम के छोटे से गाँव से, वो जो जैसे विश्वविख्यात कंपनी को ऑपरेट कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो लोग वापस अपने नेटिव गांव में जाना चाहते हैं वो उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है जोहो में। तो जोहो में अपने अंदर, अपने कंपनी के अंदर जोहो ने स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ एम्प्लॉयज को वो प्रोत्साहित करते हैं कि आप जाइए अपने गाँव में, और 30-40% उनके आज एम्प्लॉय छोटे छोटे शहर से गाँव में से काम कर रहे हैं। और इस पैंडेमिक के दौरान उन्होंने करीब 50 सेंटर्स बनाए हैं छोटे छोटे शहर में, जिससे ये लोड ये चेन्नई से कम हो रहा है। ये सभी एम्प्लॉय चेन्नई से ही क्यों काम करेंगे जोहो में, बड़े बड़े शहर से ही क्यों काम करेंगे, ये अपने अपने छोटे छोटे 50 सेंटर से काम कर सकते हैं। और आज क्लाउड का समय है, आज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स का हमें एडवांटेज है, फ्यूचर भी क्लाउड का ही है। तो आज ये आवश्यक नहीं है कि हमें दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, यहीं पर आके हमें जॉब करना है और काम करना है। फ्यूचर इज क्लाउड, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये अभी 30-40% एम्प्लॉयज जो में काम करते हैं छोटे छोटे सेंटर से, और उनकी एक जो उनका जो लक्ष्य है वो ये है कि आने वाले समय में 50% रूरल एरिया से काम करें और 50% एम्प्लॉयज जो है वो अर्बन एरिया से काम करें। ये एक बेहतरीन मॉडल होगा। अब इसे एक अनोखा नाम दिया है श्रीधर वेम्बू जी ने। श्रीधर वेम्बू ये कह रहे हैं कि ये इट्स लाइक टॉप सॉइल रिस्टोरेशन। जिस तरीके से हमारी गलत नीतियों के कारण फार्मिंग में, हमारी बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस के कारण फर्टाइल जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो रहा है, तो ये जो टॉप सॉइल इरोजन हो रहा है, उसी तरीके से गांव के जो मेन टैलेंट्स हैं वो भी उसी तरीके से इरोड हो जाते हैं अगर वो गांव से उन्हें विवश होना पड़ता है किसी बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ पे अगर उन्हें आना पड़ता है अपने परिवार को छोड़कर। तो श्रीधर वेम्बू एक समाधान दे रहे हैं, और वही समाधान जो उनका समाधान है, मैं कहूंगा कि बेंगलुरु में जो आज फ्लड्स के हालात हैं, और कल होकर अगर ये हैदराबाद में भी हो सकता है अगर हम नहीं सचेत आज हुए तो, इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी शहर, जब बेंगलुरु 3000 फीट से ऊपर अगर सी लेवल से है, यहाँ भी ये हालात हो सकते हैं, किसी भी शहर में ये हालात हो सकते हैं। तो ये इन सभी जो जो समस्याओं का लॉन्ग टर्म अगर कोई सॉल्यूशन है तो यही सॉल्यूशन है श्रीधर वेम्बू का टॉप सॉइल रेस्टोरेशन मॉडल। अब ये टॉप सॉइल रेस्टोरेशन क्या है? ये जैसे जोहो ने ये प्रयोग किया है कि जो एम्प्लॉयज अगर बड़े शहर चेन्नई से वापस गांव छोटे छोटे सेंटर्स पे जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, तो न केवल ये जो फर्दर टॉप सॉइल इरोजन हो रहा था वो बचेगा, वो बंद होगा, बल्कि ये लोग अपना इनोवेशन लेकर जाएंगे गाँव में, और ये अपने इनोवेशन का फायदा उस गाँव में भी देंगे। तो जिस स्वदेश फिल्म की हम बात करते थे कि मोहन भार्गव जाते हैं अपने गांव में, इस मॉडल से कई मोहन भार्गव निकल सकते हैं जो अपने अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव की दिशा बदल सकते हैं, और वो वहां पे नए नए इनोवेशन लाएंगे तो उसका फायदा उस गांव को मिलेगा, और अपनी जो नए जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस में वो अपना वैल्यू ऐड करेंगे। क्योंकि फार्मिंग को लेकर श्रीधर वेम्बू खुद भी काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये कहा है कि जो लोग छोटे सेंटर्स में जा रहे हैं उन्हें खास तौर पर फार्मिंग की प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीज़ों पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो ये अगर होता है और बाकी कंपनीज जो हैं भारत की वो इस मॉडल को फॉलो करते हैं, इससे दो बातें होंगी। एक तो जो शहर पर जो मालथ्यूजन प्रॉब्लम, जो एक लोड बढ़ रहा है बेतहाशा, कोई अभी कोई लगाम नहीं है, और ये
एक चिंता का विषय है, ये कम होगा, ये लोड कम होगा। और दूसरा ये होगा, ये लोग जो वापस अपने गांव में छोटे शहर में जाएंगे, वहां पे ये इनोवेशन लाएगा, गांव की तस्वीर बदल सकता है। और एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में उनका जो जो ब्रेन है उसे टैप करके एक नया वैल्यू ऐड हो सकता है उस गांव में। दिस इज टॉप सॉइल रेस्टोरेशन। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म जो अगर आप एक सॉल्यूशन की बात करें क्या है, वो यही है, टॉप सॉइल रेस्टोरेशन। दिस इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। और शॉर्ट टर्म में अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार कीजिए, पहले पानी रिसेट करें। और जो जो ओल्ड एरियाज हैं बेंगलुरु के, वहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सोशल मीडिया में ये तस्वीरें दिखाई जा रही है कि पूरा बेंगलुरु डूब गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा बेंगलुरु नहीं डूबा है। बसवनगुड़ी में कुछ नहीं हुआ है, जयनगर में कुछ नहीं हुआ है, जेपी नगर में कुछ नहीं हुआ है, ये उस तरफ हो रहा है। साउथ ईस्टर्न जो बेंगलुरु का एरिया है वो ऐसे ही वल्नरेबल था, वो लो लाइंग एरिया है, और वहाँ पे उनकी जो ज्योग्राफी थी उसकी वजह से पहले से ही वो थोड़े से वल्नरेबल थे। और उसके बाद भी बेताशा आईटी पार्क बने। मान्यता टेक पार्क तो बहुत बड़ी है आईटी पार्क है, और भी कई सारे वहाँ पे टेक पार्क हैं उस जोन में, आउटर रिंग रोड के जो जो उस एरिया में। तो ये आईटी पार्क और जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हुए हैं, और सभी बड़े बड़े बिल्डर्स ने ऐसा किया है, तो इसकी वजह से काफ़ी ये डिस्टर्ब हुई है। जो लेक्स कैनल्स की कनेक्टिविटी थी, और जो जो जिस तरीके के लेक्स को पे इंक्रोचमेंट हुआ है, और ये इसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में हमें इमिडिएटली वही करना पड़ेगा कि हम जो ऑडिट कराएं, एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता के साथ ऑडिट कराएं, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है उसे हटाएं। और एक एक कड़े शब्दों में एक मैसेज है सभी, आप छोटे बड़े बिल्डर हैं, बड़े बिल्डर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव नो राइट टू प्ले विद दिस सिटी। तो अब वो कहते हैं कि लोड बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं टेक पार्क्स, ये सॉफ्टवेयर की डिमांड ज़्यादा है, और नए नए इंजीनियर्स आते हैं, और जो जो भी लोग बढ़ेंगे तो बिल्डिंग्स हमें चाहिए। ये जो डिमांड वाली बात है जिसकी वजह से सप्लाई के चक्कर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में ये लोड बढ़ रहा है और हम सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस डिमांड के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। यही इस डिमांड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं कर सकते क्लाउड के समय में। आज से 20 साल पहले ये बात कुछ और थी कि आपको गुड़गांव ही जाना पड़ेगा, आज आप हिसार में रह के काम कर सकते हैं, आपको गुड़गांव जाने की जरूरत क्यों है। आज आप सतारा से काम कर सकते हैं, आज आप लातूर से काम कर सकते हैं, नासिक से काम कर सकते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी गाँव गाँव में है। तो जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, क्लाउड फ्यूचर है, सैस फ्यूचर है, इस हिसाब से आपको जैसा मैंने कहा कि आप नासिक से काम कर सकते हैं, आप नागपुर भी से काम कर सकते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि मैं पुणे जाऊं, वहां पे हिंजेवाड़ी या शिवाजी नगर में मैं एक बड़ा सा अपना एक फ्लैट लूं और तब मैं पुणे से ही काम करूं। ये दिस बिट्स लॉजिक। ये हम लाभ नहीं उठा रहे हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जो बूम है और फ्यूचर उसका है, भारत एक बहुत बड़ा हब उसमें बनने जा रहा है, और इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं जो सैस को डोमिनेट ग्लोबल स्टेज पे करने वाले कर ही रहे हैं। फ्रेशवर्क्स, किसी जमाने में जब फ्रेशवर्क्स आई थी उसे केवल एक जेंडेस का एक चीप रिप ऑफ कहा था उसके सीईओ ने, और आज क्या है, फर्स्ट इंडियन कंपनी जो 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 सैस कंपनी जो जिसने अभी आईपीओ किया 2 साल पहले। फ्रेशवर्क्स का एक बेहतरीन फ्यूचर है, हम सबको बोलते हैं जोहो, पूरी दुनिया में जोहो का नाम है, और मैंने जोहो प्रोडक्ट यूज किया है, जोहो प्रोडक्ट अच्छी है, जोहो की कंपनी अच्छी है, जोहो की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, और ऐसे ऐसे कई और प्लेयर्स को ये लोग चाहते हैं, श्रीधर वेबू भी और गिरीश माथुरभूतम भी ये चाहते हैं कि और नए नए प्लेयर्स आएँ, और आ ही रहे हैं, आने वाले समय में हम सैस में हम नए नए हम और भी कई प्लेयर्स देखेंगे। तो जब ये एक बदलाव हुआ है टेक फील्ड में तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स अगर आज हम नहीं करते हैं, आज भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं आप तिनकासी से काम आप कैसे कर सकते हैं, छोटे गाँव से आपको चेन्नई में आना पड़ेगा, और तिरुवनमियूर में टाइडल पार्क में ही आपकी ऑफिस रहेगी, क्यों क्यों मैं मदुरई से काम नहीं कर सकता, मैं छोटे शहर से काम नहीं कर सकता, मुझे हैदराबाद ही आना पड़ेगा और वहीं से मुझे किसी टेक पार्क से काम करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, मैं किसी छोटे जगह से क्यों नहीं काम कर सकता वहाँ से। तो ये मुझे मुंबई में ही आकर काम करना पड़ेगा, और मैं किसी और मैं शहर से नागपुर से सतारा से लातूर से मैं काम नहीं कर सकता, क्यों मैं भीड़ से काम क्यों नहीं कर सकता, मुझे मुंबई क्यों आना है। ये कुछ लोग जो अपनी स्वेच्छा से जाते हैं ये अलग चीज़ है,
लेकिन ये कहना कि आपको आना ही पड़ेगा, ये 20 साल पहले की सोच है। समय के अनुसार हम समझ नहीं रहे हैं कि टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में शिफ्ट हो रहा है। क्लाउड का समय है, ये सहस है। आज यहाँ बैठे बैठे आप गो टू मार्केट कर देते हैं। आज से 15 साल पहले GTM आप नहीं कर सकते थे बेंगलुरु और चेन्नई में बैठ के, लेकिन आज फ्रेशर्स ने क्या किया, फ्रेशर्स ने ये दिखाया। चेन्नई में बैठ कर फ्रेशर्स ने अपनी पूरी GTM की है पूरे पैंडेमिक के दौरान। केवल उनके CEO US में गए, बाकी उनकी पूरी मार्केटिंग टीम और यहां से बैठकर उन्होंने किया सब कुछ। तो जब ये हो सकता है तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्यों इस लॉन्ग टर्म को, हम इस मॉडल को हम समझ नहीं पाए। तो लाख बातों की एक बात, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है बेंगलुरु फ्लड्स को लेकर, यही है जो हमारा आप जानते हैं। एक प्रार्थना कीजिए कि बारिश जल्दी से जल्दी कम हो, और जब वाटर रिसीड करे तो एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस के साथ ऑडिट कराइए, और लेक्स कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है उसे हटाइए, कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हुई है, खासकर जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं, वहाँ तो इंक्रोचमेंट हटाना ही पड़ेगा। जो जो ये आउटर रिंग रोड का एरिया है, सरजापुर है, बिलंदुर है, ये मारथाली का एरिया है, नागवार, ये जो मान्यता टेक पार्क जहाँ पे है, इन सब एरियाज को हमें सबसे पहले इंक्रोचमेंट, किसी भी तरीके की इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, ये शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, जिस मास्टर प्लान की हम बात कर रहे हैं ना, कि 2031 का मास्टर प्लान काफी चर्चित में है, चर्चा में होता है बेंगलुरु को लेकर। मास्टर प्लान सबसे बड़ा यही है जो श्रीधर गंबू ने कहा है, टॉप सॉइल रिस्टोरेशन। ये टॉप सॉइल रिस्टोरेशन ही मास्टर प्लान है भविष्य का। सभी बड़ी बड़ी कंपनीज को चाहिए कि छोटे छोटे गांव गांव में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए उन्हें, कनेक्टिविटी दीजिए, वाईफाई दीजिए, डोंगल दीजिए अगर आपको देना है, सारे जो भी इक्विपमेंट है वो दीजिए, और उन्हें आप प्रेरित कीजिए कि आप गांव से काम कीजिए। आप अभी भी जोन में काम कर रहे हैं, आपको पैसे मिलेंगे, आप पूरे एक ग्लोबली रिनाउंड कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन आप गांव से जो काम कर रहे हैं तो आप गांव की फार्मिंग के प्रैक्टिस से जुड़े हैं, और सीधे तरीके से आप उस गांव के विकास को एक नई रफ्तार दे रहे हैं। सो यही मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में तो हमें पता है क्या करना है। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इस पे सोचने की ज़रूरत है। तो ओनली प्रॉब्लम ये जो भारत के जितने भी शहर हैं, मुंबई की समस्या, कोलकाता में अभी ये समस्या नहीं है लेकिन मुंबई में है, दिल्ली में है, आने वाले 10 साल में आप देखेंगे ये सिचुएशन कंपाउंड होगी। और अगर हम नहीं, क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, मैल्थुसियन जो एक टिपिकल है जो थ्योरी दी जाती है, हालांकि उस थ्योरी से मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये तो बात तय है कि जो मैल्थुसियन लॉ है हमारा कि लैंड इज फिक्स्ड और लोड इज इंक्रीजिंग इन ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, वो तो हो रहा है। तो इसलिए हमारे कोई भी शहर तैयार नहीं थे इतने बेतहाशा करोड़ों की तादाद में पॉपुलेशन को सहन करने के लिए। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि द ओनली लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान इज श्रीधर वेम्बूर्स आइडिया ऑफ टॉप सॉइल रेस्टोरेशन।